आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस को किस वजह से पूर्ण बहुमत मिली? क्योंकि अरसे बाद किसी बड़े स्टेट में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली है। ये बहुमत उस कांग्रेस को मिली है जिस कांग्रेस से मुक्त भारत की बात बीजेपी करती है। कर्नाटक इलेक्शन के पहले ऐसा लग भी रहा था कि हो सकता है कि इंडिया से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाए, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और यही खेल हुआ है कर्नाटक में। ऐसे में उन कारणों पर बात करना बहुत अहम है कि कांग्रेस ने कर्नाटक और उसके पहले हिमाचल में ऐसा क्या किया जो 2014 के बाद के ज़्यादातर स्टेट इलेक्शंस में मिसिंग था। आपको जो भी लगता है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन कर्नाटक को जो क्लोजली वॉच करते हो मुझे समझ में आया वो बताऊंगा मैं आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्यों में एक चीज़ कॉमन है और वही कॉमन चीज़ कांग्रेस के फेवर में कह सकते हैं कि काम आई, वो ये चीज़ है कि जनता यहाँ हर 5 साल पर सरकार बदल देती है। लेकिन और भी ऐसे कई राज्य हैं जहाँ ऐसा होता आया है पर कांग्रेस उन राज्यों में बुरी तरीके से हारी है। ऐसे में जो एक बड़ी चीज़ कर्नाटक में कांग्रेस के काम आई है वो है स्टेट लीडरशिप। चुनाव से पहले कर्नाटक कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच की दरार साफ नजर आती थी, लेकिन चुनाव के दौरान दोनों ने किसी को ये कहने का मौका नहीं दिया कि कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप बटी हुई है। जब भी सीएम की कुर्सी को लेकर इन दोनों से कोई सवाल होते तो दोनों सेफ खेल जाते थे। ऐसे में वोटर्स को कांग्रेस को लेकर कम से कम एक मैसेज गया कि पार्टी यूनाइटेड है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह रही कि कई चुनाव से जनता की जरूरत के मुद्दे गायब थे। ऐसे में कांग्रेस ने महंगाई से तरह जनता के लिए अपने मैनिफेस्टो में 200 यूनिट मुफ्त बिजली से लेकर महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जैसे वादे किए और इसका भी ख्याल रखा कि चुनाव को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर वेलफेयर स्कीम जैसे मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुसलमान का चुनाव ये मत बन जाए। यह भी सच है कि बीच में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन से लेकर बजरंग दल पर बैन जैसी बातों ने जोर पकड़ा, लेकिन कांग्रेस ने इसे नैरेटिव में नहीं बदलने दिया, जिसकी वजह से इन बातों के जरिए चुनावी कैंपेन को हाईजैक नहीं किया जा सका। ऊपर से जो करप्शन फ्री गवर्नेंस का वादा करती रही है बीजेपी, पहली बार भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी से चिपका है। इस इलेक्शन में कांग्रेस ने पूरे जोर शोर से 40% कमीशन वाली सरकार का मुद्दा उठाया। दरअसल पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को कर्नाटक से इसकी लिखित में शिकायत की गई थी कि राज्य में बीजेपी की सरकार 40% कमीशन लेकर काम कर रही है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने तो ऐसे ही आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया। ऐसे ही आरोपों की वजह से राज्य में बीजेपी के मंत्री केशवरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा, बाद में उनका टिकट भी कट गया। इन सब की वजह से कांग्रेस ने पेटीएम को ट्विस्ट करके पेसीएम कर दिया। पेसीएम बोलकर कांग्रेस ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि राज्य में सरकार भ्रष्ट है, सीएम को डायरेक्ट कमीशन मिल रही है। नतीजों से तो यही लगता है कि जनता ने मान लिया कि येदियुरप्पा और बोम्मई के चीफ मिनिस्टरशिप वाली सरकारें भ्रष्ट थी और बीजेपी को वोट आउट किए जाने की एक बड़ी वजह बनी। अब बात करते हैं सेंट्रल लीडरशिप की। आपको याद होगा जब कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने 2014 से 19 जैसे जनरल इलेक्शंस और दर्जनों असेंबली इलेक्शंस में मिली हार का ठीकरा गांधी परिवार पर फोड़ा था। तर्क भी गलत नहीं था क्योंकि ज़्यादातर चुनाव में यही सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस का चेहरा होती है। ऐसे में जब कर्नाटक चुनाव में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फ्रंट से कैंपेन लीड कर रहे थे तो उनका क्रेडिट छीना जाना ठीक नहीं होगा। उल्टे सोनिया गांधी के एक छोटे से कैंपेन का असर ऐसा रहा कि बीजेपी ने उनके सोवरेनिटी वाले कथित बयान के खिलाफ सीधे इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर दी। ऐसे में स्टेट लीडरशिप के अलावा इस जीत में गांधी परिवार के कॉन्ट्रीब्यूशन को कम करके नहीं देखा जा सकता। इसमें राहुल गांधी के लिए तो अलग से बात होनी चाहिए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कुछ महीनों पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा के बीच कर्नाटक भी पड़ा था। आप गूगल करके प्री इलेक्शन एनालिसिस निकाल लीजिए, उनमें से बहुत सारे आर्टिकल्स में आपको पढ़ने सुनने को मिल जाएगा कर्नाटक चुनाव राहुल के भारत जोड़ो यात्रा की परीक्षा होगी। अब जब इस परीक्षा में कांग्रेस को फुल मार्क्स मिले हैं तो राहुल और उनकी भारत जोड़ो यात्रा से भी क्रेडिट छीनना ठीक नहीं होगा। भारत जोड़ो और राहुल गांधी तो हैं ही, कांग्रेस को बीजेपी में हुए रिबेलियन का भी फायदा मिला। हिमाचल के बाद संभवतः यह दूसरा चुनाव था जिसमें बीजेपी में भारी असंतोष देखने को मिला और पूर्व सीएम से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुआ। तो ये भी कि चुनावी विवादों के ऊपर चुनावी वादे हावी रहे। विवादों पर वादे इस तरीके से हावी रहे कि हिजाब, हलाल और धर्म से जुड़े बाकी मुद्दे नहीं चले बल्कि जनता की जरूरत के मुद्दे चले। और इसी तरह का एक एनालिसिस इस पर होना है कि बीजेपी किन वजहों से हारी। वैसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किस वजह से कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से जीतने में सफल रही। बाकी ऐसी ही स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।